हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर विशाल गोयल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फुटिंग की कास्टिंग के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में फुटिंग की कास्टिंग तक देख लिया था और आज हम बात करेंगे कि हमारी फुटिंग की कास्टिंग हो चुकी है उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है। तो फुटिंग की कास्टिंग के बाद सबसे पहले तो आपको आपके बाकी के बचे हुए सभी कॉलम को कास्ट कर लेना है। कहां तक? प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक, मींस जहां आपका प्लिंथ बीम है उसके बॉटम लेवल तक आपको अपने सभी कॉलम कास्ट कर लेने हैं। इसके बाद हम इसमें मिट्टी फिलिंग करेंगे। इसके लिए आप फाउंडेशन के लिए एक्सकवेटेड की हुई मिट्टी या फिर बाहर से मिट्टी मंगवाकर भी इसे फिल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मिट्टी फिलिंग कैसे करते हैं एक मैक्सिमम कॉम्पैक्शन के साथ। तो दोस्तों, मिट्टी फिलिंग करने के लिए यह ध्यान रहे कि आपका जो फिलिंग मटेरियल है वह हर तरह के पेड़ की जड़, केमिकल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से फ्री होना चाहिए। दूसरा कि जहां आपको मिट्टी फिलिंग करनी है, मींस जहां आपकी बैकफिलिंग होनी है, उस जगह पर किसी भी तरह का सेटिंग और फॉर्मवर्क नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसे रिमूव करवा लें, नहीं तो यह बैकफिलिंग में दब जाएगा। अब आपको फिलिंग स्टार्ट करनी है और आपको फिलिंग लेयर में करनी है और एक लेयर 250 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से कॉम्पैक्ट करें और ऐसे ही लेयर में फिलिंग करनी है कॉम्पैक्शन के साथ प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक। ओके फ्रेंड्स, अब बैक फिलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको बैक फिलिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आपकी फाउंडेशन पूरी तरह सेट हो जाए। दूसरा, आपको जो बैक फिलिंग है वो अच्छे से पानी डालकर कॉम्पैक्ट जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में मिट्टी बैठने के कारण आपके फ्लोर में क्रैक आ सकते हैं। तो यह ध्यान रहे कि आपकी जो बैक फिलिंग हो वो कॉम्पैक्शन के साथ ही हो। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे समझ गए होंगे कि आपको बैक फिलिंग कैसे करनी है। पर यहां मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ मिट्टी से फिलिंग न करके बल्कि इसमें रेत भी मिक्स करें, मींस आपको मिट्टी और रेत दोनों मिक्स करके बैक फिलिंग करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप मिट्टी से बैक फिलिंग करते हैं, बार बार पानी डालते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं, तो यह पानी आपकी जो बैक फिलिंग होती है उसके बिल्कुल नीचे जाकर कीचड़ बन जाता है और जब तक यह कीचड़ सूखता है उससे पहले हमारी फ्लोरिंग डल चुकी होती है, जिसमें बाद में मिट्टी बैठने के कारण क्रैक्स आ सकते हैं। पर अगर आप एज पर माई रिकमेंडेशन रेत और मिट्टी दोनों को मिक्स करके फाउंडेशन की फिलिंग करते हैं तो फिर इसके बैठने के चांसेस 100% खत्म हो जाएंगे। बाकी यह आपकी मर्जी है कि आपको फिलिंग कैसे करनी है। फिलिंग करने का जो प्रॉपर तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे समझ गए हैं और यह जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।